नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फूड टिप बाय फूड टिप। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द कैरेट्स। तो ये फरवरी महीना चल रहा है, तो ये 2-3 वीक्स है, तब तक ही हम लोगों को जो रेड कलर के कैरेट है वो मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको ऑरेंज कलर के कैरेट मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशली जो रेड वैरायटी ऑफ कैरेट्स आती है वो फरवरी के बाद नहीं मिलती, स्पेशली वो विंटर में ही आते हैं एंड दे आर मोर टेस्टी एज वेल एज न्यूट्रिशियस। तो ये एक इसके साथ मैं कनेक्टिंग रेसिपी भी ऐड करने वाली हूँ स्पेशली फॉर द किड्स, कि हम लोग बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि कैरेट्स खाओ, बीटरूट खाओ, लेकिन कोई कोई बच्चे हैं वो जो अच्छे से खाते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे हैं उनको बहुत सारे ट्रिक करने पड़ते हैं ये सब खिलाने के लिए। तो ये एक ऐसी रेसिपी इसके साथ मैं कनेक्टिंग करने वाली हूँ कि आपके बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और वो आपसे मांग मांग के खाएंगे ये बीटरूट और कैरेट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई दिस कैरेट्स आर मोर न्यूट्रिशियस। हम सब लोगों को पता है कि कैरेट इज रिलेटेड टू विटामिन ए। ऑल्सो दिस पर्टिकुलर रेड कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ लाइकोपिन एंड ऑल्सो इट्स अ गुड इन एंटीऑक्सीडेंट। इसके वजह से ये जो विंटर का सीजन है तभी आप ट्राई कीजिए कि बहुत ज़्यादा आपके डाइट में आप कैरेट ले, और एज अ सलाड, एज अ गाजर हलवा या तो पराठे में, जैसे कैसे भी हो, लेकिन बच्चों के पेट में ये विंटर सीजन में भी बहुत सारे कैरेट जाते हैं, इसका आप ख्याल रखिए और आपके खुद के डाइट में भी। तो कनेक्टिंग रेसिपी देखिए और मुझे बताइए कि आपके बच्चों ने स्पेशली फाइंड किया कि नहीं कि ये रेसिपी में कैरेट और बीटरूट है कि नहीं। तो चलिए अभी क्विकली देखते हैं ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है व्हीट फ्लार, और मेरे पास 1 बीटरूट है, और मैंने हाफ कैरेट जो सैलड के लिए यूज़ किया था उसका हाफ पीछे की साइड जो बचती है वो बहुत हार्ड रहती है, सो वो ग्रेट करने के लिए इजी जाता है, इसके लिए मैंने वो हाफ कैरेट लिया है। हम कैरेट और बीटरूट दोनों भी ग्रेट करके इसमें लेने वाले हैं उसी आटे में। ये अभी मैंने दोनों भी ग्रेट करके लिए हैं ऑलरेडी इसमें, और बहुत ही बारीक ग्रेट करने हैं जिसकी वजह से आपके बच्चों को पता नहीं चलेगा कि इस रेसिपी में आप लोगों ने कैरेट और बीटरूट डाले हैं। ये अभी ग्रेट करके हो गए, अभी हम लोग इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। इसमें 1 से 1.5 चम्मच आप सॉल्ट डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ जीरा पाउडर, ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून असाफोटिडा दैट इज हिंग, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। और हम लोग इसमें और ऐड करेंगे पिंच ऑफ हल्दी, टर्मरिक, और 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शुगर लिया है, जिसकी वजह से जो बीटरूट का अलग से फ्लेवर आता है वो थोड़ा सा मास्क होने में हेल्प हो जाता है और अच्छे से फ्लेवर आता है उसके वजह से, शुगर की वजह से। और हम लोग इसमें डालेंगे पिंच ऑफ अजवाइन, कैरम सीड हम लोग डालेंगे, वो हल्के से हाथ से क्रश करके इसमें डालेंगे, जिसके वजह से अच्छे से डाइजेशन होता है। ये है कसूरी मेथी, कसूरी मेथी भी हम लोग हल्के से हाथ से क्रश करके उसमें डालेंगे, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है किसी भी डिश को। 1 ग्लास पानी लेना है, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कैरेट और बीटरूट में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है, तो पहले हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कितना हमारा व्हीट फ्लार सोक होता है उसमें, और उसके हिसाब से ही हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, जितना लगेगा उतना ही। हम लोग को ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर इसके जो हम लोग पूरी बनाने वाले हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। ये देखिए, ये मेरा रेडी हो गया है आटा। अभी मैं इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी, और ये ऑयल डाल के हम लोग को अच्छे से मसल के लेना है ये आटा, जिसके वजह से जो पूरी हम लोग बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और इसको हम लोग 15 से 20 मिनट कवर करके रखेंगे, जिसकी वजह से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और पूरी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी।
अभी ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये मेरा आटा एकदम रेडी है। अभी मैं इसके अलग अलग शेप के पूरीज बना रही हूँ। बच्चों को थोड़ा सा हम लोग अलग शेप वगैरह बनाए तो वो बहुत प्यार से खाते हैं। मैं ये स्पेशली पूरीज को स्टार मून का पूरी बोलती हूँ कि पर्टिकुलर मैंने जो पालक की पूरी बनाती हूँ उसको मैंने हार्ट शेप देती हूँ, तो वो हार्ट का पूरी बना उसको नाम दिया है। सो व्हेन किड्स आर सेइंग कि हार्ट का पूरी खाना है, सो आई केम टू नो कि उनको पालक का पूरी खाना है या फिर स्टार मून का पूरी बोल रहे हैं, तो मुझे पता है कि उनको कैरेट और बीटरूट का पूरी खाना है। सो ऐसे हम लोगों ने अलग अलग नाम रखे हैं स्पेशली। सो ये हम लोग को थोड़ा सा थिकनेस इसको रखना है, जिसकी वजह से पूरी हम लोग जब भी फ्राई करेंगे तभी वो अच्छे से फूल के आएगा। ये सब शेप अभी मेरे रेडी हो गए हैं स्टार के, और वैसे ही मैं दो मून के शेप मेरे दो चुन्नू मुन्नू मून हैं उनके लिए बनाऊंगी कि वो झगड़ा ना करे, हर एक को स्टार और हर एक को दो मून उनको मिल जाएंगे। और ये जो अपनी नॉर्मल वाटी है कटोरी उसके हिसाब से ये गोल मैंने काट लिए हैं। यहाँ साइड बाय साइड मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया था और मीडियम फ्लेम में हम लोग ने ये रखा है ऑयल, और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्राइंग। इंडियन कुकिंग इज़ ऑल अबाउट नॉइज़, फ्राई करते वक्त का आवाज़, मिक्सर लगाने का आवाज़, कुकर की सीटी का आवाज़, तड़का देते वक्त जो आवाज़ आता है, सो ये आवाज़ सुन के ही हम लोगों को पता चल जाता है कि ये अभी डिश कैसे बनने वाली है। सो ये अच्छे से हम लोग फ्राई करके लेने वाले हैं पूरीज। और हम लोग इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो वो कड़क हो जाएंगे पूरी। देखिए अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। और अभी ये पूरी डालने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे से फ्राई होके ऊपर उठ के आ रही है पूरी, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं एंड में आपको एक पूरी तोड़ के बताऊंगी। ये देखिए ये पूरी रेडी हो गई है और कितना प्यारा कलर आया है। देखिए बीटरूट की वजह से हल्का सा इनको जो पिंकिश कलर है वो बहुत आ जाता है, ये देखिए। और मैं आपको एक ये तोड़ के बताती हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप प्लीज़ आपके बच्चों के लिए ये बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए आपके बच्चों को रेसिपी कैसी लगी। आवली का शपला गार्गीला खापरा पटा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट वॉज नॉलेजेबल फॉर यू। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल। थैंक यू।